नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरजी स्पोर्ट्स अड्डा पर। टाटा आईपीएल 2022 में अब तक 14 महामुकाबले मैच खेले जा चुके हैं और इन 14 मैचों के खत्म होने के बाद टाटा आईपीएल 2022 के पॉइंट टेबल में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में नया पॉइंट टेबल क्या है और इसके अलावा पर्पल कैप और ऑरेंज कैप किस प्लेयर के पास मौजूद है, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे विनती है, वीडियो को एक लाइक कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि क्रिकेट की तमाम छोटी बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नया पॉइंट टेबल क्या है। उससे पहले फ्रेंड्स, आपको बता दें कि कल कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच में खेले गए मैच में पैट कमिंस के तूफानी पारी के दम पर केकेआर की टीम ने 5 विकेट से शानदार जीत हासिल किया और इस मैच के खत्म होने के बाद आईपीएल का पूरा पॉइंट टेबल बदल गया। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं नया पॉइंट टेबल क्या है। तो इस नए पॉइंट टेबल के लिस्ट में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पहले पोजीशन पर है। वह 4 मैच खेली और 3 मैच में जीत और 1 मैच में हार के साथ 6 पॉइंट लेकर टॉप 1 पर बनी हुई। वहीं दूसरे पोजीशन पर राजस्थान रॉयल्स की टीम है जो 3 मैच में 4 पॉइंट के साथ दूसरे पोजीशन पर है। तीसरे पोजीशन पर गुजरात टाइटंस की टीम है जो 2 मैच में 4 पॉइंट लेकर तीसरे पोजीशन पर बनी हुई। पोजीशन पर मयंक अग्रवाल की कप्तानी वाली टीम पंजाब किंग्स की टीम है जो अब तक 3 मैच खेली है जिसमें से 2 में जीत और 1 में हार के साथ 4 पॉइंट लेकर 4th पोजीशन पर बरकरार है। वहीं फ्रेंड्स, अगर 5वें पोजीशन की बात करें तो केएल राहुल की कप्तानी वाली टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है जो अब तक 2 मैच खेली है और 2 मैच में जो अब तक 3 मैच खेली है और 2 में जीत और 1 हार के साथ 4 पॉइंट लेकर 5वें पोजीशन पर बनी हुई। वही 6ठे पोजीशन पर आरसीबी की टीम है, 7वें पोजीशन पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है, 8वें पोजीशन पर रविंद्र जडेजा की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है जो 3 मैच खेली और 3 मैच हार चुकी है और 0 पॉइंट के साथ यहां पे 8वें पोजीशन पर बनी हुई। वहीं 9वें पोजीशन पे आईपीएल की सफलतम टीम मुंबई इंडियंस की टीम है जो 3 मैच खेली और 3 मैच में हार के साथ 0 पॉइंट लेकर 9वें पोजीशन पर बरकरार है। वहीं 10वें पोजीशन पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है जो 2 मैच में 2 हार के साथ 0 पॉइंट लेकर 10वें पोजीशन पर बरकरार है। तो फ्रंट की लिस्ट में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पहले पोजीशन पर है, वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम दूसरे पोजीशन पर बरकरार है। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्लेयर के पास ऑरेंज कैप मौजूद है। तो फ्रेंड्स, ऑरेंज कैप के लिस्ट में पहले नंबर पर जॉस बटलर है जो 3 मैच में 205 रन बना चुके हैं। वहीं दूसरे पोजीशन पर ईशान किशन है जो 3 मैच में 149 रन बना चुके हैं। वहीं तीसरे पोजीशन पर फाफ डु प्लेसिस है जो 3 मैच में 122 रन बना चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय जो ऑरेंज कैप है जॉस द वॉच जॉस बटलर के पास है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस प्लेयर के पास पर्पल कैप मौजूद है। फ्रेंड्स, पर्पल कैप की लिस्ट में पहले पोजीशन पर उमेश यादव है जो 4 मैच में 9 विकेट लिए हैं। वहीं दूसरे पोजीशन पर यजुवेंद्र चहल है जो 3 मैच में 7 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। वहीं तीसरे पोजीशन पर आवेश खान है जो 3 मैच में 7 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पर्पल कैप कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज उमेश यादव के पास है जो 4 मैच में 9 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब तक खेले गए मैच में सबसे ज्यादा कौन सा प्लेयर छक्का मारा है। तो इस लिस्ट में जॉस बटलर पहले पोजीशन पर है जो 3 मैच में 14 छक्के मार चुके हैं। वहीं दूसरे पोजीशन पर आंद्रे रसल है जो 4 मैच में 12 छक्के जड़ चुके हैं। वहीं तीसरे नंबर पर संजू सैमसन है जो 3 मैच में 9 छक्के जड़ चुके हैं। तो यहाँ पर मोस्ट सक्सेस की लिस्ट में जॉस द बॉस जॉस बटलर पहले पोजीशन पर बरकरार है। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये था टाटा आईपीएल 2022 का नया पॉइंट टेबल। ऐसे ही फ्रेंड्स, डेली नया पॉइंट टेबल, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप और मोस्ट सक्सेस की लिस्ट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।